एक वाइफ अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर काफ़ी परेशान है। वाइफ की ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो भी एक बॉन्डिंग है, जो भी एक रिलेशनशिप है, वो अच्छा रहे, अच्छे से बातचीत हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, एक दूसरे से प्यार बना रहे। लेकिन हस्बैंड का बिहेवियर अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वाइफ को अटेंशन नहीं मिल रहा है, वाइफ को वो प्यार नहीं मिल रहा है, इसीलिए वाइफ और ज़्यादा कोशिश कर रही है बातचीत करने की। लेकिन वाइफ जब भी हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती, मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती, और वाइफ समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने हस्बैंड से बातचीत करनी चाहिए ताकि सिचुएशन ठीक हो जाए। अक्सर रिलेशनशिप में, चाहे हम बात करें हस्बैंड की, वाइफ की, बॉयफ्रेंड की या फिर गर्लफ्रेंड की, जब भी इश्यूज चलते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स रहती है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पार्टनर से हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए उस सिचुएशन में। समझाने की कोशिश करते तो फाइट हो जाती है, तो हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि कई बार हमारे मन में ये भी डर होता है कि अगर हमने बातचीत करना बंद कर दिया, अगर हमने बातचीत ही नहीं की, तो चांसेस है कि पार्टनर तो हमें भूल जाएगा, पार्टनर और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, या फिर पार्टनर की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमसे बातचीत करने की, इसलिए हम पूरे तरीके से दूर भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो, तो पार्टनर से सही तरीके से बातचीत करके आप उनकी अटैचमेंट को बढ़ा सकते हो और उनका प्यार वापस पा सकते हो। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, खुद की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। देखिए, जब भी पार्टनर से आपकी अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप कांटेक्ट में हो, यानी कि बातें तो रोज होती है लेकिन बातचीत अच्छे से नहीं होती है, हर दिन बस लड़ाइयाँ होती है या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस सिचुएशन में आपको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट एक पावरफुल टेक्निक होती है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए और पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है और आप किस तरीके से पार्टनर के कॉन्टैक्ट में भी रह सकते हो और आपके बीच में फाइट्स भी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। अगर आप बहुत लिमिटेड कॉन्वर्जेशंस पार्टनर के साथ करते हो, सिचुएशन जितनी ज़्यादा ख़राब है उतना कम कॉन्टैक्ट में रहो, सिचुएशन अगर थोड़ी बेटर है तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहो, और धीरे धीरे जब सिचुएशन अच्छी होने लगेगी तब कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा बढ़ाओ। कैसे? अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप बस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेज करो, हाय, हेलो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बस इतनी बातें करो। अगर इतनी बातों का रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो उस दिन आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, आप दूसरे दिन मैसेज करो या फिर आप दूसरे दिन का स्पेस ले सकते हो, फिर मैसेज कर सकते हो। पार्टनर के कॉन्टैक्ट में आपको रहना है, लेकिन जितनी कम बातचीत हो सके उतनी कम बातचीत करनी है। चाहे अगर आप एक हस्बैंड वाइफ भी हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, या फिर एक लिविंग रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तब भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम है उस वक्त जितनी कम बातें होगी उतना अच्छा है। अब आप कहोगे कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे, उन्हें उनकी गलती ही नहीं बताएंगे, तो वो अपनी गलती समझेंगे नहीं, फिर तो बातचीत करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बातचीत ही नहीं करनी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बातचीत बंद ही कर दो या करो ही मत। जब सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, आपके बीच में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट के वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, उस सिचुएशन में आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हो, उस सिचुएशन में आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में भी रह सकते हो। लेकिन तब तक, जब तक अच्छे से बातचीत ना हो, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उतनी कम बात करो। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, जब हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आप हाय हेलो बातचीत कर रहे हो, वो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। कल तक आप उन्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके पीछे इतने परेशान थे, और आज आप रिलैक्स हो, आज आप शांत हो, ये देखकर उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप ये मत सोचिए कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा होगा, वो कुछ सोच ही नहीं रहे होंगे, ज़रूर वो भी सोच रहे हैं, बस वो दिखा नहीं रहे हैं, अटैचमेंट उनके मन में भी होगी, लेकिन आप इतनी कोशिश कर रहे हो जिस वजह से उन्हें अटैचमेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ज़रूर फॉलो करना है। दूसरी सिचुएशन,
बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को समझना, आपके बीच में जो टॉपिक ज़्यादा कंफर्टेबल है, धीरे धीरे आपको उस बारे में बातचीत करनी है। आपने 7 दिनों तक 10 दिनों तक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट फॉलो किया, ज़्यादा बातचीत नहीं की, ज़्यादा शिकायतें नहीं की, आप बिल्कुल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में थे। अब धीरे धीरे उस टॉपिक पर बातचीत करना स्टार्ट करो जो आपके बीच में ज़्यादा कनेक्शन बनाता है। आप उनके काम के बारे में पूछ सकते हो, आप उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर ना एक बात मैं आपको बताता हूँ, इससे होता क्या है, जब हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट के बाद धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि बातचीत होती है। और जब बातचीत होती है उस वक्त अगर आप डिस्कस करोगे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि आपकी बॉन्डिंग भी बेटर रहेगी और वो आपकी बातों को समझेंगे भी। हम क्या गलती करते हैं, एक दिन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि अब तो उनका रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाईज आ रहे हैं, वो भी मैसेजेस कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देते हैं और फिर बातचीत करने लग जाते हैं। हमें लगता है सिचुएशन तो ठीक हो गई, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट कम से कम 7 से 10 दिनों तक फॉलो करना है, फिर धीरे धीरे उस बारे में बातचीत करनी है जो ज़्यादा कनेक्शन बनाता है। अगर आप धीरे धीरे उन टॉपिक्स को टच करते हो जो बातें आपके बीच में पहले होती थी जब आपका रिलेशनशिप अच्छा था, तो अटैचमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। और पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाने के बाद वो खुद ही आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो खुद ही आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप इस बात को मान कर चलो कि आपको धीरे धीरे पहले उसी बारे में बातचीत करनी है, ना कि डायरेक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में नहीं बात करनी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। एक बार अगर आप बातचीत पर ध्यान देते और बातचीत होने लगती है, तो फिर पार्टनर धीरे धीरे आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और बातचीत भी करने लगता है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, अपने इमोशंस का मजाक मत बनाओ। पार्टनर से बातचीत करते वक्त कई बार हम हमारे इमोशंस का मजाक बनाकर रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पार्टनर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद अपने पास नहीं रख पा रहे हो, तो पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत। और कई लोग ये सोचते हैं कि हम हमारे इमोशंस उन्हें दिखाएंगे, हम उन्हें रोकर बताएंगे, परेशान होकर बातचीत करेंगे और वो समझ जाएंगे। रिलेशनशिप के शुरुआत में ही ये सब होता है, रोने से पार्टनर को फ़र्क पड़ता है और पार्टनर आपको और ज़्यादा अटेंशन देता है, और हमें यही आदत लग जाती है। कमज़ोर बनकर हम रोकर उन्हें दिखा देंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो हमसे बातचीत करने लगेंगे। अब हम हमारे इमोशंस का मजाक इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि फिर धीरे धीरे हमारे इमोशंस पर वो ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। उन्हें पता है इतनी सी बात हुई आप रोने लग जाओगे, थोड़ा इग्नोर किया आप शिकायत करने लग जाओगे। इस बिहेवियर के वजह से पार्टनर आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहता है, और अगर बातचीत करता भी है तो आपको उतना अटेंशन नहीं मिलता है। जो भी इंसान एक रिलेशनशिप में अपने इमोशंस का मजाक नहीं बनाता है, अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेता है, अपने इमोशंस की वैल्यू करता है, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप उन्हें वो महसूस कराओ कि आप जब भी कमज़ोर होते हो, जब भी दुखी होते हो, जब भी हर्ट होते हो, तो आप स्ट्रांग बनते हो, ना कि कमज़ोर। अगर बातचीत नहीं हो रही है और आप बस इस ज़िद में अड़े हो कि आपको बातचीत करके सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ पहले जैसे करना है, तो आपको भी पहले जैसे बनना होगा। रिलेशनशिप के शुरुआत में या फिर जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उस वक्त आप अपने इमोशंस को देखिए। उस वक्त हम पार्टनर के सामने खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है। अभी बातचीत नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, आप दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप एक सिंपल से साइकोलॉजी को समझते हो कि दुख देखकर इंसान दूर जाता है, डिस्टर्बेंस देखकर इंसान इरिटेट होता है, अब आप कहोगे ये कैसा स्वभाव है, ऐसी कैसे बात हो गई। लेकिन ये एक सच है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाकर पार्टनर से बातचीत करोगे, बातचीत अगर होती भी है तो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगा। जो लोग अपने इमोशंस को ध्यान में रखकर बातचीत करना जानते हैं, मान लीजिए मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे रूडली बात कर रहे हो, गुस्से में आकर बातचीत कर रहे हो, और ये बात मुझे बुरी लग रही है कि आप ऐसे कैसे बातचीत कर रहे हो, तो मैं आपको रोकर समझाऊंगा नहीं,
बल्कि थोड़ी नाराजगी दिखाऊंगा, थोड़ा शांत हो जाऊंगा। अब इससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने जिस तरीके से मुझसे बातचीत की है, जो तरीके से आप मुझसे बात कर रहे थे, वो तरीका गलत था, इसीलिए मैं दूर हुआ। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप गुस्से में हो, नाराज़गी दिखा रहे हो, या आप गलत तरीके से बातचीत कर रहे हो, फिर भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप अपना तरीका कभी नहीं बदलोगे। आपका तरीका तब ही बदलेगा जब मैं स्टैंड लूँगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है। पार्टनर गलत तरीके से बातचीत कर रहा है, रिलेशनशिप चाहे कितना भी वीक क्यों ना चल रहा हो, लेकिन जब भी पार्टनर गलत तरीके से बातचीत करे तो आपको स्टैंड लेना ही होगा। डर कर परेशान होकर मत रहिए, खुद के लिए बिल्कुल स्टैंड लीजिए, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखिए, फिर धीरे धीरे बातचीत करने की कोशिश करते रहिए। इस बीच आपको अपने लाइफ पर भी ध्यान देना है, अपने लाइफ को भी ज़्यादा बेटर बनाना है। अपने लाइफ पर जितने अच्छे से आप ध्यान दोगे, आपके लिए उतना ज़रूरी रहेगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।